सो हाय फ्रेंड्स, अभी जो हमारे पास गाड़ी है ये है मेघा XLV S4। और इस गाड़ी में फॉल्ट क्या है कि गाड़ी पिकअप फॉल्ट है इसमें, ठीक है। और इसमें एक चेक लैंप भी जल रही है, तो चलिए हम दिखाते हैं आपको क्या दिक्कत है। दोस्तों, हमने इग्निशन को ऑन किया है और जो देख पा रहे हैं कि MIL बत्ती वो जल रही है और हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। MIL बत्ती कंटिन्यूस जल रही है, तो चलिए इसको देखेंगे कि आखिर क्यों जल रही है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि हमारी गाड़ी स्टार्ट है, और अब हम इसके धुआं को भी दिखा देते हैं। तो हमने रेस किया, देख पा रहे धुआं नॉर्मली सही है एक तरह से, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं है धुआं। तो अभी इसका एयर फिल्टर ये सब में कुछ फॉल्ट होगा तो धुआं दे रही होगी। तो हम सबसे पहले इसको डायग्नोस करेंगे हमारे TDS लाइट से। सबसे पहले हम OBD कनेक्टर में इसको लगाएंगे और इग्निशन को ऑन करेंगे। चाबी ऑन कीजिए तो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं कि हमने इसको लगा दिया है और इग्निशन को भी ऑन कर दिया है, हमारी बत्ती जल गई है। हम जाएंगे TDS लाइट में और हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आपको हम पूरी वीडियो दिखाने वाले हैं कैसे क्या करना है। तो देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि सबसे ऊपर में देख पा रहे हैं सुपर एस एस को सिलेक्ट करना है, डीजल को सिलेक्ट करना है, मेगा एक्सल को सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इंजन मैनेजमेंट सिस्टम को हमने क्लिक किया है, उसके बाद थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। दोस्तों, देख पा रहे हैं कि हमारा ECM कनेक्ट हो चुका है डिवाइस से। री स्कैन पर क्लिक करेंगे और फॉल्ट कोड देखेंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि जो हमारा फॉल्ट कोड है SRC4LCH एयर कूलर प्रेशर डाउन स्ट्रीम, इसका मतलब फ्रेंड्स ये बूस्ट प्रेशर सेंसर का फॉल्ट इससे कोड बड़ा है। वाला लेकिन TDS लाइट में और लैपटॉप में कभी कभी फॉल्ट का डिस्क्रिप्शन भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो देख पा रहे हैं कि फॉल्ट कोड ये बूस्ट इसी टाइप प्रेशर में होगा सेंसर ना। का आया हुआ है। आपको वही हम यार, दिखा दें इसी क्या टाइप क्या में चेक होगा करने के लिए बोल रहा है। चेक सेंसर का वायरिंग नहीं है कनेक्ट, माउंटिंग हाउस फटा हुआ हो सकता है, ये सब बता रहा है वो। तो दोस्तों, देख पा रहे हैं कि इसमें एक और बीमारी है, TDS लाइट में कभी कभी अननोन फॉल्ट भी देने लगता है, कोई दूसरा फॉल्ट। तो अभी फिलहाल इस हम आ चुके बत्तीस परसेंट हैं बूस्ट अवेलेबल प्रेशर सेंसर के पास, और यहाँ पर देखेंगे कि ये देखिए बूस्ट प्रेशर सेंसर है और इसका कंडीशन देख पाइए पूरा मोबिल से भरा हुआ है, इसलिए ये तो मोबिल में ही रहता है। तो चलिए, हमने इसका पूरा वायरिंग को भी अच्छे तरीके से चेक किया था, तो वायरिंग भी हमारी पूरी ओके है, ठीक है। अंदर के साइड समटाइम कट जाता है, वहाँ भी हमने चेक किया, वहाँ भी ओके है वायरिंग। तो हमें लग रहा है इसका बूस्ट प्रेशर सेंसर को दूसरा लगा के देखना चाहिए। तो चलिए अब हम इसको दूसरा लगाएंगे। और फ्रेंड्स, हम एक ही हाथ से वीडियो बना रहे हैं, एक हाथ से काम कर रहे हैं, जिस कारण बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है वीडियो में। तो दोस्तों, देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा बूस्ट प्रेशर सेंसर है और ये जो हमारा है, ये नया बूस्ट प्रेशर सेंसर अभी हमने लेके आया। और ये बूस्ट प्रेशर सेंसर को हम इस गाड़ी में लगाएंगे और फिर देखते हैं कि क्या दिक्कत आ रहा है। और ये इंटैक्ट मैनिफोल्ड पे लगा हुआ होता है, और अब हम इसको इस पे लगा देते हैं। कपलर देख पा रहे हैं, कपलर को हमने लगा दिया है और देख पा रहे हैं सेम पार्ट नंबर का सेंसर है। अब हम फॉल्ट कोड को चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या दिक्कत भी आ रही है हमारी, और इसको हम यहाँ पर फिटिंग करवा लेते हैं। दोस्तों, बहुत बार अगर ये बूस्ट प्रेशर सेंसर से समटाइम एक्सलेटर का भी दिक्कत आ जाता है गाड़ी में, बहुत ऐसा फॉल्ट कोड आने लगता है बूस्ट प्रेशर सेंसर का। दोस्तों, अब इसका हम नट लगवा लेते हैं और फिर हम स्कैन करेंगे और फिर देखते हैं कि फॉल्ट कोड का क्या कंडीशन है। तो फाइनली दोस्तों, हमने इसको स्कैन किया है और देख पा रहे हैं कि जो हमारा फॉल्ट कोड है, री स्कैन पर क्लिक कर रहे हैं तो एक फॉल्ट कोड हमारा बता रहा जो हमारा टेम्प्रोरी में गया है, इसको हम क्लियर कर दिए हैं। अब हम सेल्फ मारते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन है। स्टार्ट कीजिए देख कीजिए। पा रहे हैं चेक लैंप और MIL लैंप दोनों भाग चुकी है, और अब हम क्या करने वाले हैं, गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इग्निशन ऑफ करके ऑन किया है, फिर भी हमारी चेक लैंप भाग गई है। और हमने जब गाड़ी को स्टार्ट किया, देख पा रहे हैं रेस्ट कीजिए गाड़ी। स्टार्ट है हमारी इंजन, और देखिए MIL बत्ती भाग चुकी है।